हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदर्श आपके लिए लाया हूँ जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बहुचर्चित पुस्तक सेटेनिक वर्सेज के लेखक हैं। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, सलमान रश्दी जो हैं सेटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ये क्वेश्चन जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, इंदिरा गांधी जी ने लिखा है इंटरनल इंडिया। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, बैडमिंटन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलने की आवाज़ आती है तो। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, इसकी सूचना तुरंत हम पुलिस को देंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कार तेज गति से किसी बालक को रौंदती हुई निकल जाती है। आप भी वहीं से गुजर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, बालक को चिकित्सा के लिए पास के किसी क्लिनिक में ले जाएंगे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आप किसी गली से गुजर रहे हो और वहाँ एक दंपत्ति आपस में मारपीट कर रहे हों और आपको लगे कि बात कत्ल तक आ जाएगी तो आप क्या करेंगे। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, तुरंत पुलिस को सूचना देंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जेल वार्डर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड लास्ट है, देश अगर संबंधित है राष्ट्रपति से तो राज्य किससे संबंधित होगा। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, राज्यपाल। अगर देश राष्ट्रपति से संबंधित है तो राज्य राज्यपाल से संबंधित होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।